के सोनी दे सलवार तो चल जाता है। मुझे ये डर है अकीदे जुदा न हो जाए खताए अहले खता के सिवा न हो जाए अली मैं एक कसीदा तारीख कह रही है आमना के बाद मैं गुजारिश कीजिए तारीख कह रही है आमना के बाद लैला भी पालती रही बचपन रसूल का जिहड़े गीते आले बैठे हो भाई गुलामों का मकसद नहीं सबक सुना वर मकसद है जे मैं गुलामन ते आवां ता एक लम्हा लगसी चंद चेहरे तो पर्दा हटाया जो है अर्श ताई इंद चमकण दी दस आ गई है अल्लाह दा मैं सोहणे तो सोहणा बणाईंदा रिहा अली अकबर बणावण दी चस आ गई है इतनी एक देर मौला हुसैन बादशाह तो नमस्ते रखे शहजादे अली अकबर दुनिया ते आए मेरी पाक बेगमए कौनैन जनाबे आलिया झुकते हुए सफी हुसैन बादशाह के कोल हुसैन भी अकबर दी आमद दी मुबारक हो मेरे पाक इमाम फरमाया खैर मुबारक मेरे इमाम फरमाया आलिया मेरा दिल चाहता है मैं हुसैन हाँ तू मेरे को कुछ मंग तो मैं तेन देवा बीबी फरमाया किसी चीज की जरूरत नहीं मैं जा फिर तैयार देना हूँ मेरे पाक इमाम फरमाया नहीं मैं अली का पुत्र हाँ कुछ मंगना खामोशी से मजलस जोड़ नहीं ये नहीं जाकर चंगा पड़ा ना लवे तो सोना ना ले थोड़ी बेरोरी करे मैं तो परेशान हो गया जिक्र आले मोहम्मद दे बोली करो मेरे वास्ते नहीं अपनी बका वास्ते जद तू इत बोले से बस कब्र च बोलने की जरूरत नहीं बल जे लैन जाने ते हुसैन जाए मैं अली दा पुत्र हाँ मेरा दिल चाहता है आलिया तू मेरे को कुछ मंग तो मैं तेन दोवां बीबी फरमाया हुसैन मेरे अल देखना मैं तो अली दी धी हाँ अगर तेरा दिल बन गए तो कायनात जो सब तो वध जो प्यार ही हो गए बिला तश्मीर सफी हुसैन बादशाह पुत्र चाया बहन दे हथ रखा फरमाया याद रखे आलिया अल्लाह की कायनात मैं अकबर तो वध के प्यारा कोई नहीं मेरी पाक सहन इंज पुत्र शहजादे अकबर नु हथ चाया ते अकबर नाल जिहड़ी गल कीती सुनाओ भाई जेड़े बंदे अदब की जात नहीं सुनते मैं उन्होंने वास्ते पढ़ता मेरी बात सहन शहजादे अकबर वाले पास रिश्ता बीबी फरमा रही है आ तुझे नूर की चादर में सुला दूं शहजादे अकबर वाले पास रिचा अली दीदी फरमा रही है
तुझे नूर की चादर में सुला दूं ते एक बंदा बोले मैं तुहाडे ते राजी हां इतना प्यारा माहौल है मेरी पाक सैन फरमा रही है आ तुझे नूर की चादर में सुला दूं अकबर हुस्ने यूसुफ नवाबे करबला खुदावंद करबला महाराज अल बहरैन दे तहत तैयब होती तेरे ते मेरे पीर हुसैन अकबर आले पास दिखा कहना दा मेरी मां पिया फरमांदा है तेरी पलकों में शरीयत की बगात देखता हूं। अगली गल सुननी है भाई जेड़े समझदार लोग बैठे सारे समझदार है एदा सोना माहौल है एदा सोना कसीदा मेरी पाक सैन ओ गल्ला कीतियां सखी हुसैन बादशाह पुत्र आले पास देख के फरमा रहे हैं तेरी पलकों में शरीयत की बगा देखता हूं मैं तुझे दिल तेरी पलकों में शरीयत की बगा देखता हूं मैं तुझे दिल में बिछा कर ही खुदा देखता हूं आ तुझे रिस्क अली के बेटों का सरदार सिकंदर खाते हैं रिस्क अली के बेटों का सरदार सिकंदर खाते हैं सब अर्शी फर्शी खाकी नूरी मस्त कलंदर खाते हैं सब अर्शी फर्शी खाकी नूरी मस्त कलंदर खाते हैं मैं प्यादा कैसा ये शर्फ बख्शा है हुसैन की मां ने गासी को हाथ वाले सदियों से बेहाथ कलंदर खाते हैं हम तो चलो दू सत्रा मेरा इलाका है मेरा अपने लोग मेरा अपना वतन है मिंबर हुसैन की कसम है न इस लालच से हम ये थोड़े को नियाज ले सो वतन जो है क्योंकि थोड़े को ही सजा कर बन है थोड़े तो सबक लावणे थोड़े तो सीखणे ते अस इस काबिल नहीं भी अपने लोग तो सदाद ले सो सिर्फ मकसद सबक है भाई हम तो बहुत दिलेर समझते थे मौत को दूसरा तो फतन अपने लोग हम तो बहुत दिलेर समझते थे मौत को करबला में हुसैन के बच्चों से डरती रही जिंदगी अगर थोड़ा दिल हो तो एक कसीदा मैं तिलावत करना सारे मिलके एक सोनी कसीदा नमाज़े बिला के लिए
मैं बिस्मिल्लाह करांगी सोना इस्तकबाल की तो मैं गुजारिश कीती हुसैन पेड़ सारा उतर आए हैं नमाज विला के लिए हुसैन पेड़ सारा उतर आए हैं नमाज विला के लिए हुसैन हुसैन इब्न ज़हरा उतर आए हैं नमाज विला के लिए सामने पियादे सर तवज्जो उतर आए हैं नमाज विला के लिए इसी से मुकम्मल हुए पैज तर हदीस किसा के लिए मुहर्रम गदी एक पास 72 एक पास 9 लाख उमर इब्न साद सारे को बेशुमार इल्ला ये जुलता हो या सखी हुसैन बादशाह दे खैमे दे कोल है या हुसैन तू जानदा है जड़ी मेरी 9 लाख फौज है ना इंदे विच फेर फौजी है सी जेड़े काबे दा तवाफ करके आए ने ढेर फौजी है सी ढेर सिपाही है सी जेड़े हुणे हुणे काबे दा तवाफ करके आए ने कायनात दे अमीर इमाम दे चेहरे ते जलाल आया सदे क्या तो उम्र इब्न साद मेरी गल ये बंदे इलाही के घर घूमते मेरे सुल्तना को नबी चूमते हैं कैदा लीमा में हाचा के बोले हाय दरी सखी हुसैन बादशाह करीमे करबला उम्र इब्न साद मुखातिब किया सरकार फरमाया याद रखी ये बंदे इलाही घूमते मेरे सजना को नबी चूमते हैं ये काबा भी एहराम है पादता फकत करबला के लिए बिस्मिल्लाह करम भाई लांत याद है हुसैन तेरे कोल 72 है साढ़े कोल 9 लाख है मुकाबला तो बनता ही नहीं असा 9 लाख है तू 72 हो मुकाबला बनता ही नहीं लेकिन याद रख हुसैन साढ़े कोल ऐसे फौजी हैं जेड़ा 1000 नाल लड़ सकदा है ते तेरे कोल कुल 72 है ऐसे फौजी हैं ऐसे फौजी हैं जेड़ा 1 बंदा 1000 बंदे नाल कल्ला लड़ सकदा है करीमे करबला दे चेहरे ते जलाल आया सरकार इमाम हुसैन बादशाह उमर इब्न साद वाले पास ले के दिन बकवास बंद कर आज मेरी गल सुन अदा हुसैन के आखा चाने सरकार फरमाया ये रोजी की गंगा जमी पर न बहती मैं गाजी से कहता तो दुनिया सरकार फरमा रहे ये रोजी की गंगा जमी पर न बहती मैं गाजी से कहता तो दुनिया न रहती मगर मैंने रखा है जिंदा तुम्हें अशर की सजा के लिए कोई दलील पेश कर एडे अख्तियारात खड़ा दिसे ने बुजुर्ग कहते भी एक शेर हो तो अगला बब्बर शेर हो और मैं देखना चाहना मजमे च बंदा खामोश केड़ा बैठा है मैं बिस्मिल्लाह करा भाई अल्लाह ने याद है हुसैन कोई दलील ही तो पेश कर तू जो इतने बड़े दावे कर करे नहीं उस वेले अली बादशाह दे पाक बचड़े दे चेहरे ते जलाल आया सरकार इमाम हुसैन बादशाह लांटिया दे पास दे के फरमा रहे हैं अगर मेरी निस्बत चली से न होती तो सारा की शादी अली से न होती मिलता ही नहीं कोई सहारा यजीद को मिलता ही नहीं कोई सहारा यजीद को
जैनब ने इस तरह से उलझाया यजीद को। मिलता ही नहीं कोई सहारा यजीद को, जैनब ने इस तरह से उलझाया यजीद को। खातून जंग कर नहीं सकती, इसलिए खुतबों की जुल्मकार से मारा यजीद को। मैं कसीदा सिर्फ इसे उस बीबी की अजमत का तिलावत करना चाहना, जिस बीबी तौहीद बचाई, जिस नबुवत बचाई, जिस बाबे दी इमामत बचाई। यजीद मलून का दरबार सजाए ले भाई मसाए बने, मेरी सहन के हाथ छत खड़िया बेगैरा ताते मैं जंग जित ली। मेरी सहन फरमाया की में कोई सबूत दे अते मेरे अख्तियार की खुशियां गलियां बाजार सजे हुए मेरी जंग जीतने का सबूत है। मेरी जंग जीतने का सबूत है। मेरी पाक सैन फरमाया तू ये समझदा है असा तेरे कैदी है। बीबी फरमाया अगर मैं चाहवा मैं कौन दी मालिक हाँ, एक लम्हे तो पहला ये कड़ियां मेरे कदमें चो मैं जजी दादा मैं फतेह आपा मेरे को अख्तियार आते गल्ला पईयां होनियां तो उससे हुई है आजाद। मेरी पाक मखदूमा है कौन है बीबी पाक सैयदा जनाबे आलिया लांती अल कासमिस्टा भी फरमाया मैं तेरी कह दे नहीं कुछ कम रह गए ने जेड़े मैं करना है। लांतिया तो केड़े कम मेरी पाक सैन तेरी तो लगन तुझे भी फरमा रही है मैं दीन दुश्मन मिटाने आई 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 मैं दीन दुश्मन मिटाने मैं दीन दुश्मन मिटाने आई अलीगढ़ में पंड नहीं पड़ जाना तो कुछ करना चाहता दुश्मन मिटाने मैं दीने दुश्मन बिठाने आई अली बादशाह की बात बचनी फरमा रही है यजीद मैं तेरी कह दे नहीं हां मैं शाम दे विच कम करन आई हां किले मैं दीने दुश्मन बिठाने आई। अगली गल केड़ी है दुश्मन बिठाने आई मैं दीने दुश्मन बिठाने आई तवज्जो दुश्मन बिठाने आई मैं तुझ पे लानत हाथ उचे हाय मैं बिस्मिल्लाह करा मेरी पाक सैन लांती नूं कादर की दार नीति थी फरमा रही है मैं दीने दुश्मन मिटाने आई मैं दीने दुश्मन मिटाने आई मैं दीने दुश्मन मिटाने आई मैं तुझ पे लानत कराने आई हुसैन से जिसने मांगी बैयत हुसैन मैं बिस्मिल्लाह करा मेरा वतन इतनी दाद काफी मेरी पाक मखदूमा कौनैन अली बादशाह जी पाक बचली बीबी फरमाया मैं तेरी कह दिन हो ही नहीं सकती मैं कौन दी मालिक हां मैं गाजी दी बहन मेरे को अख्तियारात तू आदा मैं जंग जित लईए आदा मेरे को अख्तियारात तू सब मेरे कैदी हो गल्लां पईयां होनियां उससे दरमियान होइए आजान। तवज्जो भाई तवज्जो तवज्जो उससे दरमियान होइए आजान। अली दीदी फरमाया यजीद आजान ते गौर करना तू आदा मैं जंग जित लईए आजान सुन। अली दीदी आलिया तू आखना के चाहनी बार बार अजान बना क्यों चाहनी उस वेले मेरी पाक सैन लई नु मुखत पिता भी फरमाया अजान मस्जिद चो रही है यजीद मेरी हो रही है। मैं बिस्मिल्लाह करा मेरी पाक सैन बगैरत नु मुखत पिता ली दी फरमा रही है अजान मस्जिद चो शहर में मैं हर जगह पर गाजी का परचम लगा
طرح سے سہن فاطمی ہوا کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا بستے ہم تا زمانے کی چنگے جدا اُبھڑے وقت قبرانا لیا اللہ دی کائنات چنج کوئی نہ وسدا جی میں سید وسدے ہم دعا کی تکر شالائی جی کوئی شریف نہ مجڑے جی میں سید وسدے اس علاقے علیاء دو ہستیاں کائنات چیسیاں گزریاں ایک مسلمانہ بہماری ہے ایک مردی ایک مستوری مردو ہے لگنا غازی عباس ہے پورے حاشنے چھوں سب تو دراز قدائی سرکار وفا ممبر حسین دی قسمیں سارے حاشنے چھوں چھوٹی کا پروائی دوچھی بی بی علی بادشاہ دی پاک بچری آلیا مسلمانہ ایدہ مارے جنر وطن تے ولیے تسکا بھیران اس پہچان سکا ہے لو آری دیتھے سے مسافران کن اچھا وینڈ کر کے آدھے اما فضا تو کسا اندھے چھو آلیا کے لیے اس وزے میری سہن وینڈ کر کے آدھے ویر میں نو سنیان میں بھیرام مویان میں بھترام مویان میں بسم اللہ کیونکہ چہلہ میں چہلم دے حوالے نال بزرگاں دا ایک لکھے ہوئے کو باندھے تھکی او شام دے سفراں دی میں تپڑ چھوڑے آئے روسی ہو جاتا کوئی نقصان ہے ہر آکھتا نہیں رو سکتی نا تھکی او شام دے سفراں دی آویر دی نگری گئی ہے سجاد تو پوچھ کے قبراں دی پہچان کریں دی رہی بسم اللہ بسم اللہ جڑا رو آنا ہے میں لکھواری پڑا بھائی سجاد تو پوچھ کے قبراں دی پہچان کریں دی رہی ادا پیوں گا اللہ کے گیر دی آیا کبار تم یہ وال والیا دی رہیے ناراض نہ تھی میں پیو اکبر دا میں تو نکھر سکینا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایک سال دے آٹھ مہینہ دے امن مان کے امن ایمیوں دے میری سین اکبر دی جگیر چاہی میری سین دی نگاہ بھیراوان دی قبران سے پہیے بی بی حکل مار کے آدھی میں سجاد میں دے قریبا سجاد قریب آئے کہ آکھر چانیے پھپی امہ میری پاک سین حکواری بھیراوان دی قبرہ لیچے وال سجاد آل پاس لیچے بی بی آئے شوشکار شوشکار گزار او میرے ویر حسین تے غازی دی جائے کیت یہ قبر تیارے ون آکھ انا دے دروازے تے تابی زینب شوشکار بسم اللہ بسم اللہ بزرگ زاکرین پڑھتے ہوں دیان
मेरी पातशाह अकबर दी जगीर च नथी उठदी ते बांदी शहीद आजम दी कबर ते आ बैठी कबर नु हाना ला के आ दिए वे वीर कबर तू बहरा के देख जींदी वलैया शहीद आजम दी कबर फटी है कमर ते बहरा मेरे पाक इमाम दी निगाह भैन दिया किसनियों ते पई सैयद वैन करके आदा भैन बाकी हाल बाद च पुछसा मैनू ए दसा मेरी लाश ते वादा करके गईया वे ते कु जिंदाबाद करके वलसा मैनू दसा मेरा खून रहेगा ते नहीं गया उस वेले अली दी धी दे लाभ हल्ले ना दीदी आ